कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें करने का मन नहीं करता है और आजकल पर हम उन कामों को टालते जाते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो के बाद आप उन कामों को भी फटाफट कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, चलिए वीडियो को देख लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास रखने की कोई कोई चीज़ें जगह नहीं होती हैं, जैसे कि हमारे पास पतले पतले ऊनी चद्दर कंबल होती हैं, उन्हें रखने की जगह अगर हमारे पास ना हो तो हम एक पिलो कवर ले सकते हैं और उनमें डाल के उसे रख सकते हैं। चाहे तो हमारी बहुत सारी ओढ़ने वाली गर्मी वाली चादरें हो गई या फिर ठंडक की ऊनी चादरें हो गई, उन्हें हमें रखने के लिए अगर हम, अब तो गर्मी आ रही हमें इन्हें रखना ही पड़ेगा, उसे रखने के लिए अगर आपके पास बैग वगैरह ना हो तो आप इस तरीके से पिलो कवर के अंदर भी इसे सुरक्षित व्यवस्थित करके रख सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और आपके पास पिलो की भी कमी हो तो इसको आप एज अ पिलो कवर भी यूज़ कर सकते हो और दो दो काम आपका बन जाएगा और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हम तकिया नहीं यूज़ कर रहे हैं। एकदम सॉफ्ट, एकदम मुलायम होता है। अगर कहीं से बराबर ना हो तो इस तरीके से बेलन लेके आप उसको बराबर कर सकते हो। ऐसा आप अपने तकिए के साथ भी कर सकते हो। अगर हमारा पिलो थोड़ा सा बड़ा है तो उसे अंदर की तरफ इन कर देंगे और एक तरीके का हमारा ये तुरंत से एक इंस्टेंट सा तकिया तैयार हो जाएगा। हमारे दो काम एक साथ बन गए, है ना आसान काम। चलिए फिर अगला टिप देख लेते हैं। इस टाइम की फॉर्म शीट अगर हमारे पास हो, कहीं से मिल गई हो, तो इन्हें फेंकिए मत, इनका एक यूज़ कर लेते हैं आज। चलिए इन्हें बीच से काटते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक पुराना सा सॉक्स, जो कि आपके घर में पड़ा हो, कोई भी यूज़ ना करता हो, या फिर एक ही पैर का हो, किसी भी तरीके से वो आपके काम का ना हो तो आप उसे ले लीजिए, क्योंकि हम इसको अब काटने वाले हैं। तो उतना काटेंगे जितना कि ये फॉर्म है, जितना मैंने फॉर्म को काटा है उसी हिसाब से सॉक्स भी काट लेंगे। और ये जो सॉक्स मैंने काटा है इसमें ये फॉर्म शीट बहुत ही आराम से फिट हो गया था और बिल्कुल भी कोई मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप चाहें तो नाप कर काटिएगा और इसे बीच में से फोल्ड करके ऊपर का जो हिस्सा है उसे हमें सुई धागे की मदद से सिल लेना है। आप चाहो तो अगर आपके पास ग्लू गन होगा तो उससे भी आप चिपका सकते हो, लेकिन अगर आप सिल पाओगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको सुविधा हो जाएगी। इसको हम यूज़ कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। हम इसे बर्तन धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम इसे एज अ स्क्रबर यूज़ करेंगे और आसानी से बर्तनों को साफ़ भी कर पाएंगे, स्क्रबर के पैसे भी बचा पाएंगे और इतना ज़्यादा स्पॉन्जी होता है, बहुत ज़्यादा झाग बनती है इसमें, तो बर्तन ढेर सारे साफ़ होते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है अपने कुकर का लिड, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो कुकर होती है उसका जो रबड़ होता है ना वो ढीला हो जाता है, जब भी हम उसमें दाल सब्जी कुछ भी बनाते हैं तो वो बन नहीं पाता है, क्योंकि उसका प्रेशर ही ठीक से नहीं बनता है और प्रेशर जब नहीं ठीक से बनेगा तो खाना हम कैसे बना पाएंगे। अगर आपको जल्दी से इस रबड़ को चेंज करने का टाइम ना हो तो आपके लिए एक उपाय मेरे पास है कि आप इसको घर पर ठीक कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। तो आपको एक छोटा सा रबड़ बैंड ले लेना है और उसमें इस तरीके से एक गांठ लगा देनी है, इस तरीके से कुकर की रबड़ पे इस रबड़ बैंड को बांध देना है। बांधने के बाद हम इस ढक्कन पर रबड़ को लगा देंगे। लगाने के बाद अगर बहुत ज़्यादा ढीली रबड़ है तो हम रबड़ बैंड की संख्या बढ़ा सकते हैं, एक से दो भी कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसे कुकर के लिड पर लगाएंगे और उसके बाद हम ढक्कन बंद कर देंगे। अब जब हम अपने कुकर में दाल सब्जी कुछ भी बनाएंगे तो प्रेशर बहुत अच्छे से बनेगा और हमारा खाना तैयार हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि प्रेशर नहीं बनेगा, लेकिन ये तरीका टेम्परेरी है। आप जल्द से जल्द ढक्कन की रबड़ को चेंज करा लीजिएगा, हमेशा के लिए आप इस टिप को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम सभी के घर में अदरक तो होती ही है ना, तो अदरक का एक टुकड़ा हमें लेना है, उसी से एक बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताऊँगी जो कि सबके काम आएगा। ज़्यादातर लोगों को ये शिकायत होती है जो कि मैं बताने वाली हूँ, मुझे खुद ही है तो मैं इसे यूज़ करती हूँ और इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है, जिसे अच्छे से वॉश कर लिया है और उसे मैं ग्रेट कर रही हूँ।
जिससे कि जो हम इसे यूज़ करने वाले हैं वो ग्रेट करने के बाद ही हमारे काम आएगा अदरक। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा ग्रेट किया है और इनको इकट्ठा करके हम एक छोटी सी कटोरी में यहाँ पे अदरक का पूरा जूस निकाल देंगे। जितना छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया था उसमें जितना एक चम्मच के लगभग रस निकल जाएगा, हमारा काम उससे बन जाएगा। मैंने यहाँ पे एक चम्मच छोटा सा चम्मच नमक भी लिया है। नमक डालते टाइम कैमरा बंद हो गया था तो आप नहीं देख पाए थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर आधा नींबू भी लिया है और उसको भी हम इसी अदरक के रस में निचोड़ देंगे। और उसके बाद जो भी हम पेस्ट करते हों, चाहे आप कोलगेट करते हो तो कोलगेट ले लीजिए, मतलब जो भी आप करते हो उसे थोड़ा सा लेकर आपको अपने दांतों पर इसी से ब्रश करना है, जिससे कि अगर आपके दांतों में पीलापन होता है या फिर शाइन नहीं करते हैं तो आप ये फॉर्मूला बनाइए और इससे रोज़ ब्रश कीजिए, तो आप पाएंगे कि आपके दांतों का जो पीलापन है वो तो चला जाएगा, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा साफ भी हो जाएगा, मुंह की सारी गंदगी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद आपके दांतों की शाइन भी वापस आ जाएगी। कुछ बर्तन ऐसे होते हैं इस टाइप के प्लास्टिक के, जिस पे कि पानी का जो दाग है बहुत ज़्यादा बैठता है, बहुत ज़्यादा जमता है और एक हार्ड स्टेन छोड़ता है, बहुत ही गहरा दाग हो जाता है। इन्हें साफ़ करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए आज मैं इसे आसानी से आपको क्लीन करके बताऊँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर हार्पिक ले लिया है और पूरे मग पे मैं फैला दे रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा हार्पिक मैं डाल दे रही हूँ, हर तरफ डायरेक्ट हार्पिक को डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो मग है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा है, जिसके लिए मुझे इसे अप्लाई करना पड़ेगा। और मैंने अपने हाथों में पहन लिया है एक पॉलीथीन, जिसके वजह से कि मतलब हमारे हाथों में कोई भी दिक्कत ना हो, ये केमिकल होता है। और एक ब्रश लिया है मैंने, उसी से पूरे मग पे मैं इस हार्पिक को सिर्फ फैला दूंगी, क्योंकि फैलाने के बाद हमें इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देना होगा। अगर हम छोड़ेंगे नहीं तो ये गहरा जो दाग है, बहुत ही हार्ड दाग है, वो बहुत आसानी से नहीं निकलेगा। जब हम इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ना, तो फिर हमें मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी। मैंने इसे 5 से 7 मिनट के लिए ही रेस्ट के लिए छोड़ा था, क्योंकि टाइम नहीं था, मुझे मेरे बच्चे को स्कूल से लाने भी जाना था, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा जल्दी ही इसे क्लीन किया था। लेकिन आप जब क्लीन करना तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम तक इसे लगा, मतलब हार्पिक को डाल के कुछ टाइम के लिए छोड़ देना और उसके बाद आप इसे क्लीन करना। और उसके बाद मैंने पूरा ही इसको अंदर बाहर हर जगह ये ब्रश से फैला दिया है। फैला देने के बाद हम इसे अब छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए और उसके बाद हम इसे क्लीन करेंगे। तो इसके लिए मैंने पॉलीथीन अपने हाथ में पहन लिया है, एक स्क्रबर लिया है, उसी से जस्ट मैं इसे हल्के हल्के हाथों से सिर्फ घिस दे रही हूँ, और कुछ भी मैंने लिया नहीं है, सिर्फ हार्पिक लिया है, उसी से मैं घिस रही हूँ। आप देख ही पा रहे होंगे कि घिसने से जो है हल्का हल्का जैसे ये घिस रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा सा ये क्लीन होने लगा है। पूरा मग तो बहुत अच्छे से मैंने क्लीन किया था, लेकिन जो मैंने आपको नीचे दिखाया था अंदर में मग में जो स्टेन था वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी और बहुत ज़्यादा स्टिकी था, तो उसी को क्लीन करने में मुझे बहुत टाइम भी लग रहा था और मेहनत भी गई है मेरी काफ़ी ज़्यादा उसमें। तो मैंने इसे क्लीन तो कर लिया है, लेकिन अंदर का जो पार्ट था वो उतने अच्छे से नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पहले और अब में अंतर आप देख ही पा रहे होंगे। थोड़ा सा अंदर बचा है, जिसे मैं एक और बार इसमें हार्पिक डाल के एक दिन किसी दिन धो लूँगी, क्लीन कर लूँगी, और ये अच्छे से वो भी क्लीन हो जाएगा। ये नहीं है कि वो क्लीन नहीं होगा, जितना टाइम था उतने में मैंने इतने अच्छे से इसे क्लीन किया है, काफ़ी अच्छे से हार्पिक क्लीन कर देता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।